अच्छा क्यों? अच्छा क्यों मैंने हिजाब पे बहस छेड़ी है? देखिए, एक महिला का अधिकार है, वो बिकिनी पहनना चाहे, वो हिजाब पहनना चाहे, वो घूंघट लगाना चाहे, वे साड़ी पहनना चाहे, वे जीन्स पहनना चाहे, इसमें कोई राजनीति की बात नहीं और ना होनी चाहिए। हाँ, आप देखिए देखिए, आप गोलमोल करके कुछ भी कह सकते हैं, किसी का अधिकार नहीं है कि वो एक महिला को कहें कि तुम ये पहनो। आपको मैं कह रही हूँ, वो स्कार्फ उतारो, स्कार्फ उतारो अपना। आप कहाँ भी जहाँ भी हो, मुझे क्या अधिकार है आपको ये कहने का? नहीं है, सिंपल। आप पूछे सवाल, विषय पे सवाल पूछे तो अच्छा रहेगा। जी देखिए देखिए, यहाँ उत्तर प्रदेश में जब ऑक्सीजन नहीं मिल रहा था तो छत्तीसगढ़ की सरकार ने छत्तीसगढ़ से यहाँ टैंकर भेजे हैं। सर हो गया, आप पूछिए सवाल इस विषय पर है। आपने क्या आपने क्या छत्तीसगढ़ की नदियों में आपने लाशें देखी? सर ये बहस का विषय नहीं है, आपको सवाल पूछने का बोला अधिकार है, पूछिए। नहीं सर, ऐसे नहीं होगा, ये प्रेस कॉन्फ्रेंस है, ये वाद विवाद आपके साथ नहीं हो रहा है यहाँ पर। इस विषय पर सवाल है आपका? सर ये गलत बात है, आप गलत कर रहे हैं, ये प्रेस कॉन्फ्रेंस है, थोड़ा सा अनुशासन रखिए। आपसे हाथ जोड़ के निवेदन है मेरा, पूछिए आपका सवाल क्या है। रुक जाइए एक मिनट। देखिए, मैं तो भारतीय जनता पार्टी पे भरोसा नहीं करती, तो मैं आप उनके आंकड़ों पर भी भरोसा नहीं कर रही हूँ। हम जो आंकड़े हमारे उन्नति विधान में है, वो जो एक्चुअल आंकड़े हैं वही हैं, उन्हीं पर हमने सब बातें की हैं, तो मैं उनकी बात नहीं कर सकती। वो कौन से आंकड़े देते हैं? वो तो कहते हैं कि सब खुशहाल है, वो तो कहते हैं कि बहुत प्रगति हो रही है। मैं घर घर में जाती हूँ और कुछ नहीं है, महंगाई से लोग अपनी रोजी रोटी नहीं कमा पा रहे हैं। पूछिए आपका सवाल पीछे, अभी रुक जाइए आप, प्लीज शांत रहिए, पूछिए सवाल। तो साथ में बोलेंगे तो सुनाई नहीं देगा एकदम करके। जी जी जी, आपका सवाल छत्तीसगढ़ के बारे में, आप छत्तीसगढ़ जाके पूछ लीजिए। सर ये गलत बात है जो आप कर रहे हैं, इस तरह से पत्रकार वार्ता नहीं होती है, आप अपने साथियों के साथ गलत कर रहे हैं। पूछिए आप अपना सवाल, बताइए। जी देखिए, हमने इस पे बहुत चर्चा की, क्योंकि इतनी डिमांड आ रही थी कि पुरानी पेंशन पे हमें वापस जाना चाहिए, जो पुरानी स्कीम है। हमने बहुत चर्चा की, हम सोचते हैं कि इसमें एक मध्य का रास्ता निकाला जा सकता है, जिस तरह से जितना सरकार का कंट्रीब्यूशन है वो बढ़ाया जा सकता है। तो इसका मेरे ख्याल से आपके सवाल के जवाब में एक मध्य का रास्ता ही ढूंढना पड़ेगा। इस सवाल पूछिए, एक मिनट रुक जाइए सर, आएंगे अभी आपके पास, पूछिए। जरा जोर से बोलिए, कुलियों से। जी हमने सबके लिए इसमें लिखा है, आप देख लीजिएगा। हम एक अंतिम सवाल लेंगे, आप पूछिए, पूछिए, आप पूछिए। इस तरह से नहीं हो सकती प्रेस का वार्ता, आप उधर आते ना, आप यहाँ पे क्यों? पूछिए सवाल, हाँ पूछिए, महिला सवाल पूछना चाह रही है यहाँ पे। नहीं, वो पहले खड़े हुए हाँ, थे, उनके बाद आप पूछिए, आप पूछेंगे। अगर आप लोगों को लगता है कि इस तरह से सवाल का जवाब मिलेगा तो मैं बड़ी हाथ जोड़ के अनुमति वहां चाहती हूँ, आपके ऐसे नहीं मिल सकता। एक एक आदमी पूछिए ना,
पूछिए आप। देखिए मैंने पहले भी कहा है कि गर्मी निकालना, चर्बी निकालना, ये क्यों बातें हो रही हैं? भर्ती निकालिए, खाली पद पड़े हैं, भर्ती निकालिए। हमने तो पूरा खाका तैयार किया है कि हम भर्ती कैसे निकालेंगे। हम तो ये भी बता रहे हैं कि कहाँ से निकालेंगे, हम ये बता रहे हैं कि रोजगार कहाँ से दिलवाएंगे। हम ये सब कह रहे हैं और आप एक दूसरे से कह रहे हैं कि कोई कह रहा है कि चर्बी निकालेंगे, गर्मी निकालेंगे, फालतू की बातें हैं ये, लोगों को गुमराह करने वाली बातें हैं। आपका सवाल, आप इधर आइए पहले, पत्रकारों में आइए, आप उधर जाइए पहले। आप पूछ रही थी, पूछिए आप सवाल। हाँ जी, यू डोंट सी मी एज अ फाइटिंग गर्ल। अगर ये नहीं लड़ रही है तो कौन लड़ रहा है? चलिए आप सवाल पूछिए। आपका हो गया सवाल? नहीं, बहुत सारे लोग हैं, पूछिए। वो महिला कुछ पूछना चाह रही है, इसके बाद हम प्रेस कॉन्फ्रेंस खत्म करेंगे। आई थिंक वी शुड एंड इट बिकॉज़ नोबडी। देखिए सबको खुश नहीं कर सकते। 40% महिलाएं हैं, जो महिलाएं लड़ना चाह रही थी बहुत सारी थी, उससे ज्यादा थी। हर सीट पे चार चार पांच पांच महिलाएं थी, उनमें से एक तो एक ही चुन सकते थे ना हम। तो देखिए किसी ना किसी को तो निराश होना है ना। आई थिंक वी शुड एंड इट। धन्यवाद, आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद।